देखिए, आप जानते ही होंगे कि मानक हमारे जीवन को सरल बनाने में कार्य करते हैं। तो आज हम लोग विश्व मानक दिवस का एक प्रिलूड कर रहे हैं। वैसे मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हम किन्हीं कारणवश आज इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है हमारा हेल्थ रिलेटेड मानकों पे फोकस करता है। तो हमारे साथ यहाँ के राज्य के अग्रणी डॉक्टर अनुराग धाकड़ जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सोडानी IMHR के हैं, डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी हैं, और इस कार्यक्रम का जो चीफ गेस्ट थे वो श्री VK सिंह ADG पुलिस जो है, जिन्हें रोड सेफ्टी में लेके BIS के साथ बहुत अच्छा कार्य किया था पिछले साल, सर को भी हमने कमेमोरेट किया है। तो मानकों से रिलेटेड ही चर्चा होगी, हेल्थ रिलेटेड मानकों पे ही फोकस है जो हम लोग आज उनको करेंगे। इसके साथ साथ मानक महोत्सव के रूप में हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, साइंस कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ पर हमारे मानक क्लब हैं वहाँ पर लगातार एक्टिविटीज चल रही हैं। कई जगह पर हमने डोर टू डोर सर्वेज भी चला रहे हैं हम लोग, जहाँ पर मानकों के बारे में जागरूकता दे रहे हैं। इसके साथ में हमारा एक हॉलमार्किंग का सर्वे भी चल रहा है, जो अनकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर भी हम लोग वॉलंटियर्स के माध्यम से सर्वे चला रहे हैं। तो एक तरह से एक महोत्सव का माहौल है कि ये आज मानकीकरण का दिन है। 14 अक्टूबर को विश्व भर में एक मानकीकरण के दिन के रूप में मनाया जाता है, जो सभी तरह के स्टेक होल्डर्स को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, उनके योगदान के मानकीकरण के लिए। और एक साझा जिम्मेदारी हम फील करते हैं इस दिन की हम इस विश्व की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, तो उसी तरह का माहौल आज यहाँ भी। हेल्थ सेक्टर में जो मानकीकरण प्रक्रिया है ये अन्य सभी क्षेत्रों से अधिक अनिवार्य है, क्योंकि जीवन और मरण से जुड़े हुए उपकरण होते हैं। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करें वो सोफिस्टिकेटेड हों और BIS से मानकीकृत हों। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो टेंडर की प्रक्रिया होती है उसमें लो कॉस्ट का भी एक विषय रहता है, लेकिन जो उत्कृष्टता है वो सुरक्षा देती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो BIS से अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटेशन है, अगर वहाँ थोड़ी कॉस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने नागरिकों को जो सर्वाधिक सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रिया है वो उपलब्ध करा सकें। और राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखती है और हमेशा अपेक्षित जो मानक होते हैं उसके अनुरूप ही उपकरणों की खरीद होती है। दूसरा, चूंकि ये विश्व मानकीकरण दिवस के उपलक्ष्य में हुआ है तो और स्वास्थ्य परिचर्चा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हम उपकरणों के संदर्भ में मानकीकरण करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के स्वयं के प्रति चिंतन में भी हमें करना अनिवार्य है, कि हम नियमित रूप से जो व्यायाम है और उसको अपने जीवन का अंग बनाएं, आप संतुलित जीवनचर्या का पालन करें, एक निश्चित जीवनचर्या का पालन करें जिसमें विश्राम और कार्य का संतुलन बना हुआ रहे, और जितनी भी तकनीकें या तकनीकी उपकरण आजकल आ रहे हैं जैसे कि मोबाइल है या, तो इन सब का एक संतुलित प्रयोग करें जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और मानसिक अवसाद की या अतिरिक्त चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको कम किया जा सके। देखिए, मानक एक देश का प्रगति दिखाता है, हम किस स्टैंडर्ड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये हमारी काबिलियत दिखाता है। हम कहते हैं हमारी GDP बढ़ रही है, हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं मतलब कि हम उच्च कोटि की चीज़ें का उपयोग कर रहे हैं, तो उस कोटि की जो स्टैंडर्ड है उसके मानक, हम कौन सा मानक इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे देखा जाए तो पहले हम लोग लेड वाला पेट्रोल यूज़ करते थे, लेकिन जब हमारी एक काबिलियत बढ़ी तो आज हम अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करते हैं, यानी कि हमने अपनी क्वालिटी सुधारी। तो ये देश के जो स्टैंडर्ड है वो ये बताता है कि ये देश किस लेवल का या किस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है, बना सकता है और उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चीज़ धरातल पे इंडस्ट्री बनाती है, और अगर वो मानक के हिसाब से बना रही है इसका मतलब ये हमारी काबिलियत है कि हम उसको बना सकें। और इसी संदर्भ में हम ये आज विश्व मानक दिवस मना रहे हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी इम्प्रूव होगी जब हमारी चीज़ें क्वालिटी इम्प्रूव होगी।